नमस्कार। महाभारत बिहार में महाजाम्बा, बिहार में काबा, बिहार में महाजाम्बा। हर पर्व त्योहार पे इस तरह के नज़ारे आपको दिखेंगे बिहार की सड़कों पर। ऐसा इसलिए कि सभी लोग एक से दो दिन के अंतराल पे अपने घरों पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं होता है, गाड़ियाँ बढ़ गई है, जनसंख्या भी बढ़ गई है। बिहार में नया सरकार भी बाहर, पुरानी सरकार नए तरीके से फिर से अपने सुशासन की तरफ बढ़ गई है। आप देखें, लोग भी गाड़ियाँ उसी तरीके से जिधर मन आता है उधर निकाल लेते हैं। गाड़ियों की कतारें बन जाती हैं, एक तरफ से चार चार पांच पांच लाइनें होती हैं। पानी जैसे अपना रास्ता खोज लेता है उसी तरीके से बिहार में अब गाड़ियाँ या कार को, छोटी गाड़ियों को जगह जिधर मिलती है उधर निकल पड़ते हैं। कोई नियम कानून नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, किसी तरीके का कोई फाइन भी नहीं है। हम सब हाजीपुर से पटना जा रहे हैं, पर हाजीपुर से पटना पहुंचने में शायद 2 से 4 घंटे लगेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ दाहिने ओर से नहीं निकला जा सकता है, बाईं ओर से ही निकल सकते हैं। गांधी सेतु के पास पहुँच गए हैं। गांधी सेतु पर पूर्वी लेन को तोड़ने का काम चालू हो गया है। छठ के समय ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, पता नहीं किस तरह के अधिकारी बैठे हैं। डंटे से हमें पीपा पुल की तरफ बढ़ा दिया गया छोटी गाड़ियों को। आप देखें, उसके बाद खरंजा, ईंट वाले रास्ते हैं, इससे होकर हम गांधी सेतु पहुंचेंगे। गांधी सेतु के वैकल्पिक रास्ता जो पीपा पुल है, जी हाँ, इसी रास्ते में केले का बागान भी मिलेगा, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ मिलेंगी। गाँव का रास्ता है, पैरेलल समानांतर गांधी सेतु के ये सड़क चल रही है। आगे देखें, जाम भी है, जी हाँ, यहीं से सवेरे पहर से ही बिहार में जाम की शुरुआत हो गई थी, जो आप यहीं देख रहे हैं। जाम ही जाम है पूरे बिहार में। 17-18 नवंबर को छठ के एक दिन पहले जाम का नज़ारा था। आप देखें, गांधी सेतु की तरफ जाने वाले रास्ते पे ट्रकों की कतार लगी है। गांधी सेतु के नीचे आ गए हैं, पीपा पुल की तरफ बढ़ेंगे अब हम। इधर भी गाड़ियों की कतारें ही हैं, लोगों के हुजूम दिखेंगे आपको गाड़ियों पर, पैदल बाइक पर। पीपा पुल की तरफ बढ़ गए हैं हम सब। कीचड़ कादो मिट्टी में धूल से बचने के लिए पानी पटाया गया है, तो कीचड़ ही कीचड़ है। गांधी सेतु की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, गांधी सेतु के नीचे से हम लोग पीपा पुल की तरफ बढ़े हैं। पीपा पुल से ट्रैफिक को पटना सिटी की तरफ बढ़ाया जाता है। सुनने में यही आया कि फतुहा से लेकर नौबतपुर तक बिहार में जाम था। 1 घंटे के रास्ते को लोगों को 5 से 6 घंटे लगे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, हर साल यही स्थिति इस समय ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, रॉकेट का इंतजाम, जाम से निकलते ही भाग पड़े हैं। बिहार की खबरों अपडेट्स के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें।